चलिए अब एलिमेंटल एनालिसिस में ये जो लास्ट वाला डिटेक्शन है, दिस इज डिटेक्शन ऑफ हैलोजन, ठीक है। तो इसमें भी ना क्वांटिटीज है, ये वाला जो टेस्ट पहले हम देखेंगे दैट इज बेलस्टीन टेस्ट, ये जो होता है ये सोडियम एक्सट्रैक्ट में नहीं होता है ना, ये अलग से टेस्ट होता है, ठीक है। तो पहले हैलोजन डिटेक्शन के लिए हम क्या देख रहे हैं, दैट इज बेलस्टीन टेस्ट देख रहे हैं, ठीक है। बेलस्टीन टेस्ट में कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे बेलस्टीन टेस्ट में क्या करेंगे, हम एक फ्लैट टिप वाला कॉपर वायर लेते हैं, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, बंसन फ्लेम में तब तक हीट करते हैं जब तक कि उसमें से किसी भी टाइप की ग्रीन कलर का निकलना बंद ना हो जाए। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हमको ये पता करना है कि उसमें हैलोजन है या नहीं, उसको फ्लैट टिप पर रख कर वापस कहाँ ले जाया जाता है, दैट इज इन बंसन फ्लेम ले जाएंगे, समझ आ गई बात ये। इसके बाद क्या होगा, यदि वहां पर बंसन फ्लेम में किसी भी टाइप का ग्रीन कलर भी इवॉल्व होता है, तो इससे ये कंक्लूजन निकाल लिया जाता है कि गिवन कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, हैलोजन प्रेजेंट है, ठीक है। कॉपर के जो हैलाइड्स होते हैं वो ग्रीन कलर से जलते हैं, समझा गई बात ये, कॉपर हैलाइड्स जो होंगे वो ग्रीन कलर से जलेंगे, ठीक है। तो इससे कौन सी चीज हो जाएगी, तो हैलोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में पता चल जाता है ना। बेलस्टीन टेस्ट जो होता है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए भी वैलिड होता है ना। अब मोस्टली जो कौन सी चीज होती है, कॉपर के जो हैलाइड्स होते हैं फ्लोराइड को छोड़ के बचे हुए तीनों कोवेलेंट होते हैं, है ना। तो ये कोवेलेंट हैलाइड्स के लिए होता है बेसिकली, तो ये इसकी वजह मतलब इस वजह से हम क्या बोलेंगे, फ्लोराइड का डिटेक्शन इससे नहीं होता, ठीक है। इसमें एक लिमिटेशन ये हो जाएगा कि फ्लोराइड का डिटेक्शन इससे नहीं हो रहा। दूसरा लिमिटेशन जो होता है वो कौन सा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे दूसरा लिमिटेशन ये हो जाता है कि रिएक्शन जो ये बेलस्टीन टेस्ट जो होता है इससे कौन सा हैलोजन है ये भी पता नहीं चलता, ठीक है। मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कौन सा हैलोजन ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि सारे ही कॉपर हैलाइड्स किससे जल रहे थे, दैट इज विद ग्रीन कलर जल रहे थे, समझ आ गई बात ये। इसके बाद फिर कौन सी चीज हम बोलेंगे कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि यूरिया है या थायो यूरिया है या पायरिडीन, ये भी गर्म करने पर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हम बोलेंगे स्यूडो हैलाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस स्यूडो हैलाइड्स जो होते हैं कॉपर की, ये भी ग्रीन कलर से जलते हैं, ठीक है। तो यूरिया, थायो यूरिया या पायरिडीन वगैरह ये भी क्या करेंगे, बेलस्टीन टेस्ट पॉजिटिव दे देते हैं, हालांकि इनमें क्या प्रेजेंट नहीं होता है, हैलोजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये काफी रिलायबल टेस्ट नहीं है, इस वजह से इट इज नॉट सो मच इन यूज, समझ आ गई बात ये, है ना। तो एक तो फ्लोराइड के लिए नहीं लगता, फिर हैलोजन कौन सा ये पता नहीं चलता, और यूरिया, थायो यूरिया, पायरिडीन इस टाइप के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो भी ये वाला टेस्ट पॉजिटिव शो कर देते हैं, क्लियर है ये, ठीक है। अब इसके बाद फिर अगली चीज जो होती है इसमें, नहीं हम कौन सी बोलेंगे, अब सोडियम एक्सट्रैक्ट वाला टेस्ट हमको देखना है हैलोजन का। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट टेस्ट जो होगा उसमें क्या होगा, यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो सोडियम एक्सट्रैक्ट में क्या बनकर पड़ा हुआ होगा, NaX बनकर पड़ा होता है, समझ आती बात ये, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन इसमें, तो पहले हम बोलेंगे सोडियम एक्सट्रैक्ट में हम डाइल्यूट HNO3 डालकर इसको बॉइल कर लेते हैं, उसके बाद फिर AgNO3 डालते हैं। डाइल्यूट HNO3 डालने का रीजन भी अपन आखिरी में समझेंगे, है ना। क्या बोला हमने, सोडियम एक्सट्रैक्ट में डाइल्यूट HNO3 डालकर पहले उसको बॉइल किया हमने, फिर AgNO3 डाला, ठीक है। ऐसा करवाने से भी व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है जो NH4OH में सोल्यूबल होता है, तो ये इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंट था, Cl प्रेजेंट था, क्योंकि व्हाइट प्रेसिपिटेट AgCl का होता है जो NH4OH में सोल्यूबल होता है, समझ आ गई बात ये, है ना। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट में डाइल्यूट HNO3 बॉइलिंग फॉलोड बाय AgNO3, ये डालने पर इफ देयर इज अपीयरेंस ऑफ अ व्हाइट प्रेसिपिटेट व्हिच इज सोल्यूबल इन NH4OH, देन दिस इंडिकेट्स व्हाट, प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, समझ आ गई बात ये। यही सब कुछ करने पर यदि प्रेसिपिटेट कैसा आएगा, दैट इज पेल येलो प्रेसिपिटेट आता है, जो क्या होता है, NH4OH में पार्शियली सोल्यूबल होता है, मतलब इतना प्रेसिपिटेट था तो NH4OH डालने के बाद कम रह जाएगा, मतलब इसका कुछ हिस्सा डिसॉल्व हो गया, ठीक है। तो पेल येलो प्रेसिपिटेट पार्शियली सोल्यूबल इन NH4OH, ये इंडिकेट करता है कि पेल येलो प्रेसिपिटेट AgBr का था, और इसमें Br जो आया वो कहाँ से आया, दैट इज फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, समझ आ गई बात ये। तो ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है, दिस इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसके बाद यदि यही सब कुछ करवाने पर प्रेसिपिटेट कैसा आ जाएगा, ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट आता है जो NH4OH में इनसोल्यूबल होता है ना। क्या बोला हमने,
यही सब कुछ करवाने पर यदि क्या होगा, तो हम बोलेंगे यही सब कुछ करवाने पर यदि क्या हुआ, तो हमने बोला एक ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट आया जो क्या था, NH4OH में इनसोल्यूबल था, है ना। तो ये इंडिकेट करता है इसको, दैट इज AgI को, मतलब दिस इंडिकेट AgI, और AgI में जो आयोडीन है ये कहाँ से आया, तो हमने बोला AgI का जो आयोडीन था ये आया फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ आ गई बात ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इनका डिटेक्शन कर सकेंगे। क्लियर बात यहाँ तक, है ना। अब इम्पॉर्टेंट इज वॉट कि वाई इज डाइल्यूट HNO3। तो हम बोलेंगे क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, हम डिटेक्ट कर रहे हैं, ये हमको पहले से पता नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, हेलोजन भी, और मतलब साथ में भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अब यदि नाइट्रोजन प्रेजेंट रहा ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो क्या बनेगा वहां पर, NaCN बनेगा। NaCN यदि है और आपने यदि क्या किया HNO3 डाले बिना डायरेक्टली AgNO3 डाल दिया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, हम तो बोलेंगे AgCN का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा जो NH4OH में सोल्यूबल होता है। तो ये क्या इंडिकेट करेगा, हम तो क्या समझेंगे कि व्हाइट प्रेसिपिटेट सोल्यूबल इन NH4OH, तो झट से हम आंसर दे देंगे क्लोरीन, ठीक है। जबकि क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे वो किसकी वजह से भी हो सकता है, माइट बी ड्यू टू CN निगेटिव। समझ आती बात ये, तो हम बोलेंगे हमारा जो कंक्लूजन होगा दैट विल बी अ फॉल्टी कंक्लूजन। आता है समझ में, ठीक है। फिर हम कौन सी चीज बोलेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, हेलोजन प्रेजेंट है बट साथ में सल्फर भी प्रेजेंट है। तो यदि सल्फर होता है तो कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे यदि सल्फर होगा तो Na2S बनकर पड़ा होता है सोडियम एक्सट्रैक्ट में, इसमें यदि हम डालते हैं इसको दैट इज AgNO3, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर Ag2S का ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है। और Ag2S का ब्लैक प्रेसिपिटेट यदि बना तो साथ में यदि ये वाले तीनों प्रेसिपिटेट बने भी, व्हाइट या पेल येलो, ना व्हाइट ये ब्राइट येलो या पेल येलो या व्हाइट बना भी, तो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ब्लैक प्रेसिपिटेट में हाइड हो जाता है। समझ आती बात ये, मतलब हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि ये हेलोजन होते हुए भी हम डिटेक्ट ना कर पाए इस बात की पॉसिबिलिटी बनती है। आ रहे के समझ में, है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि व्हाइट प्रेसिपिटेट AgNO3 डालने पर, यदि HNO3 ना डाला AgNO3 डाला, तो जो व्हाइट प्रेसिपिटेट आया वो किसका भी हो सकता है, AgCl का भी AgCN का भी, और दोनों NH4OH में सोल्यूबल भी थे। फिर कौन सी चीज हमने बोली कि एक ब्लैक प्रेसिपिटेट भी बन सकता है सल्फर की वजह से, और इसमें क्या होगा, तो हम बोलेंगे हेलोजन यदि होंगे तो भी क्या हो जाएगा, इनके जो प्रेसिपिटेट थे व्हाइट पेल येलो या येलो, ये हमको किस में नहीं दिखेंगे, उस ब्लैक प्रेसिपिटेट में दिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हेलोजन होते हुए भी क्या हो जाए, उसका डिटेक्शन ना हो पाए इस बात की पॉसिबिलिटी बनेगी। क्लियर है। तो अब इस परेशानी से यदि बचना है, इसी के लिए हमने किसको डाला है यहाँ पर, डाइल्यूट HNO3, है ना। ये डाइल्यूट HNO3 जो होता है ये क्या करेगा, तो हम बोलेंगे ये NaCN के साथ रिएक्शन करके क्या करवा देता है, इसमें से HCN को उड़वा देता है। समझा गई बात ये, है ना। एंड सिमिलरली Na2S के साथ भी रिएक्शन करके क्या करेगा, H2S को बनवा के उसको उड़वा देगा। तो NaCN का साइनाइड HCN बनाकर उड़ गया और Na2S का सल्फाइड H2S बनाकर उड़ गया। तो अब क्या हुआ, तो हमने बोला AgNO3 डालने के पहले हमने HNO3 डालकर जब बॉईल कर दिया, तो वहां पर किसकी, साइनाइड के रहने की संभावना अब खत्म हो गई और सल्फाइड के रहने की संभावना भी खत्म हो गई, क्योंकि अभी दोनों होंगे भी तो HNO3 के साथ वो HCN और H2S बनाकर उस टेस्ट ट्यूब में से बाहर उड़ जाएंगे। समझ आ गई बात ये, ठीक है। अब जब ये रहे नहीं, है ना, मतलब हो सकता है नहीं हो बट हमको पता नहीं है, ठीक है। तो अब HNO3 डालकर यदि हमने इनको उड़वा लिया, तो अब यदि अपन AgNO3 डालेंगे और अब यदि व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है सोल्यूबल इन NH4OH, तो वो निश्चित ही किसका होगा, AgCl का, या फिर क्या होगा, अब इस बार प्रेसिपिटेट यदि बनेंगे तो हमको दिख पाएंगे क्योंकि ब्लैक प्रेसिपिटेट के बनने की संभावना हमने खत्म करवा दी थी। आई बात समझ में अच्छे से, ठीक है। तो इस वजह से क्या डाला जाता है यहाँ पर, तो हम बोलेंगे डाइल्यूट HNO3 यहाँ मिलाया जाता है। क्लियर है अच्छे से ये, है ना। इसके बाद फिर लास्ट वाला जो टेस्ट होता है इसमें, ये कौन सा रहेगा, दैट इज लेयर टेस्ट जो होता है किसके लिए, दैट इज फॉर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, है ना। फ्लोराइड के लिए वाला टेस्ट भी नहीं होता है, वजह इसकी क्या होती है, तो हम बोलेंगे AgF सोल्यूबल होता है, ठीक है। तो इट कैन नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट विद AgNO3, है ना।
अब लेयर टेस्ट जो एक इसके लिए दैट इज फॉर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ओनली, ये फ्लोराइड और क्लोराइड के लिए नहीं होता है ना। इसके लिए भी अपन क्या ले लेंगे, सोडियम एक्सट्रैक्ट को हमने एक टेस्ट ट्यूब में लिया, उसमें फिर मिलाया किसको, CCl4 को या क्लोरोफॉर्म को। CCl4 या क्लोरोफॉर्म क्या होते हैं, दीज आर वाटर इन सोल्यूबल एंड दे आर हेवियर देन वाटर, ठीक है। CCl4 तो नॉन पोलर है ही पूरा, तो कौन सी चीज हो जाएगी, हमने बोला सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया उसमें है ना, ये किसमें बना हुआ, दैट इज इन वाटर एक्वस सोल्यूशन, इसमें CCl4 या क्लोरोफॉर्म डाला। CCl4 या क्लोरोफॉर्म क्या था, तो हमने बोला CCl4 या क्लोरोफॉर्म क्या होता है, हेवियर देन वाटर एंड वाटर इन सोल्यूबल। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब में दो लेयर्स बन जाएंगी, नीचे वाली CCl3 की या CHCl3 की रहेगी, और ऊपर वाली वाटर की जिसके अंदर ब्रोमाइड या आयोडाइड हो सकता है हम पता लगाने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये करवाने के बाद इसमें बाहर से किसको डाला हमने, दैट इज क्लोरीन वाटर, ठीक है। अपन ने पी ब्लॉक में क्या पढ़ा हुआ है कि ऊपर वाला हेलोजन नीचे वाले हेलोजन्स को हेलाइड्स में से बाहर निकाल देता है ऑक्सीडाइज करके, तो जो क्लोरीन वाटर इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में Br नेगेटिव या I नेगेटिव होंगे, तो क्या हो जाएगा, उनको ऑक्सीडाइज करके बदल देगा Br2 या I2 में, ठीक है। अब Br नेगेटिव या I नेगेटिव, तो आयोनिक होने की वजह से क्या थे, देवर सोल्यूबल इन एक्वस सोल्यूशन, लेकिन Br2 या I2 इनकी वाटर सोल्यूबिलिटी काफी कम होती है, तो क्लोरीन वाटर डालने के बाद टेस्ट ट्यूब का हम शेकिंग कर देते हैं और इसको फिर सेटल होने के लिए छोड़ देंगे। तो जो भी Br2 या I2 बनेंगे वो एक्वस लेयर में से निकलकर CCl4 जो नॉन पोलर है या CHCl3 जो काफी कम पोलर है, इसमें Br2 और I2 पूरी तरह से सोल्यूबल होते हैं। तो कौन सी चीज हो जाएगी, हम बोलेंगे ये वाली जो नीचे वाली लेयर होती है ऑर्गेनिक लेयर, इसमें क्या हो जाएगा, यदि येलो कलर आता है तो वो इंडिकेट करेगा ब्रोमीन को ना, गोल्डन येलो, येलोइश ब्राउन ऐसा भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इट इज येलो टू गोल्डन येलो कलर या येलोइश ब्राउन कलर का आना इज एन इंडिकेशन ऑफ ब्रोमीन, और यदि यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉयलेट कलर आ जाएगा, तो दैट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। आएगा समझ में, है ना। तो क्या किया हमने, सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया जो एक्वस सॉल्यूशन में बना हुआ था, CCl4 या CHCl3 डाला जो क्या था, हेवियर देन वाटर एंड वाटर इन सोल्यूबल। तो यहाँ पर दो लेयर्स बन गई, एक्वस लेयर एंड ऑर्गेनिक लेयर। एक्वस लेयर में ब्रोमाइड आयोडाइड हो सकता है पता करना है, क्लोरीन वाटर डालकर उसको शेक करके हमने छोड़ दिया, तो Br2 या I2 बनेंगे, क्लोरीन वाटर उनको ऑक्सीडाइज कर देगा यदि वो होंगे, तो Br2 I2 वाटर के बजाय किसमें, इस ऑर्गेनिक लेयर में ज्यादा सोल्यूबल होंगे। तो यहाँ आने के बाद वो क्या कर लेंगे, तो हम बोलेंगे यदि ब्रोमीन होगा तो येलो टू गोल्डन येलो या येलोइश ब्राउन कलर आ जाएगा इस लेयर में, और यदि कौन सी चीज होगी, आयोडीन होगा तो वॉयलेट कलर आ जाएगा इस लेयर में, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट वी कॉल लेयर टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन। समझ आ गई बात, ये तो एक सिंपल सेक्शन है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट वॉट दैट क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस है ना, जिसमें हमने क्या किया था, दैट एलिमेंटल डिटेक्शन।